व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज रोड कितने नंबर बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ साथ घंटे को दबाए, उसका फायदा होगा। मैं अपनी वीडियो जब भी अपलोड करूंगा आपको अपने आप चल जाएगा, तो सब्सक्राइब करें और घंटे को हिलाना ना भूले। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, रोहित कितरे फिटनेस के नाम से पेज है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम का। तो गाइस आज बहुत 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 दिनों बाद मैं एक वर्कआउट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि एक बाइसेप्स पे वीडियो बनाओ, बाइसेप्स पे वीडियो बनाओ। आप देख सकते हो गाइस मेरा पहले से बाइसेप्स बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने अपनी जो बाइसेप्स की रूटीन है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं। तो आज मैं आप लोगों को दो ऐसी वर्कआउट बताऊंगा जिसको फॉलो करने से आपके जो पीक है वो और बड़े हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप में से ये एक्सरसाइज सब लोगों ने की होगी, बट कब? महीने में एक बार, महीने में दो बार। इस दो एक्सरसाइज को अपनी हर वर्कआउट बाइसेप्स की वर्कआउट में ऐड करें और आपका जो पीक है वो और बड़ा हो जाएगा, आपके आर्म्स का साइज और बड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो एक वर्कआउट आपको स्टार्टिंग में लगानी है, एक वर्कआउट आपको एंडिंग में लगानी है। मैं आपको बताऊंगा बारी बारी कौन सी स्टार्टिंग में लगानी है, कौन सी एंडिंग में लगानी है। रेपिटेशन होंगे आपके, मसल ब्रेकडाउन करनी है, डिपेंड है वेट कितना है, तो आप 12 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो, रेपिटेशन इतनी रख सकते हो। और जो आपके सेट होंगे वो 4, 5, 6 जितना आपको लगे मसल ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो गया तब तक रख सकते हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आप लोगों को परफॉर्म करनी है वो है इंक्लाइन डंबल्स। इंक्लाइन डंबल्स कैसे लगाने हैं ध्यान से सुनना, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपको मिस्टेक्स कहाँ नहीं करनी है। तो आपको इंक्लाइन बेंच की जरूरत पड़ेगी और एक नॉर्मल डंबल ले लें, ये 10 किलो के या 12 किलो के मैंने लिए हुए हैं। और आपको अपनी नेक को भी पीछे लगाना है। दूसरा काम जो आपको करना है वो है अपने हाथों को नीचे ना छोड़ के थोड़ा आगे लेके आना है, इस हाथ को भी आगे लेके आना है। जब आप ये पोजीशन पे आ जाओगे अभी भी मेरे मसल पे टेंशन है, जो मेरा बाइसेप्स है उस बाइसेप्स पीक पे टेंशन पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हाथों को नीचे की जगह आगे किया हुआ है। और आपको करना क्या है, या तो आप दोनों हाथों से लगा सकते हो या आप सिंगल हैंड रेपिटेशन लगा सकते हो। गाइस जो ध्यान देने वाली बात है इस वर्कआउट में वो है अपने हाथों को आगे करना। बहुत सारे लोग ऐसे ऊपर लाके नीचे छोड़ देंगे, ऊपर लाके नीचे छोड़ देंगे, बट जब आप अपने इतने हाथ को स्टिफ कर लोगे इतना आगे, तो आपके बाइसेप्स में अपने आप ज़्यादा लोड आ जाएगा, ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। और आपका काम क्या है, अपनी मसल को जितना ज़्यादा हो सके ब्रेक डाउन करना और फिर उसको रिकवर करना बाद में न्यूट्रिशन से। ये वर्कआउट आपको स्टार्टिंग में फॉलो करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी रेपिटेशन और सेट्स बता दिए थे। अब बात करते हैं कि जब आप 3-4 वर्कआउट कर लोगे आपकी कंप्लीट, फिर आप लास्ट में कौन सी वर्कआउट फॉलो करें जो आपके जो पीक्स को है वो एक्सप्लोर कर देगी बिल्कुल। तो आपको करना क्या है, लाइट वेट लेना है। समझाता हूँ आपको इस वर्कआउट को कैसे फॉलो करना है। स्ट्रेट हाथ रखे, बिल्कुल आगे कर दे, नीचे ना लगा इसको, थोड़ा सा आगे कर दे। एंड 7 रेपिटेशन आपको इतने लगाने हैं। और सबसे अच्छा तरीका कि आप शीशे में देखें खुद को और पता लगाए कि आप इतना ही रेपिटेशन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। 7 रेपिटेशन आप ऐसे लगाए और फिर इसको ऊपर उठा दे, 7 रेपिटेशन ऐसे लगाए। फिर 7 रेपिटेशन बिल्कुल सीधा लगाए, पूरा ऊपर एंड पूरा नीचे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इस एक्सरसाइज में जो मैं टिप देना चाहूंगा ध्यान देने वाली वो दो चीजें हैं। एक तो पहले आप अपनी रॉड को यहां टच ना करें, मसल टेंशन सारी चली जाती है, आगे रखे। दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि आप एक मिरर में अपनी इस एक्सरसाइज को देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो ऐसे करते हैं, आपको लग रहा है ये हाफ रेपिटेशन है, बट जब आप मिरर में देखते हो ये बस नीचे इतना ही आ रहा है। आपको पूरा इतना लेके आना है, पूरा नीचे, पूरा इतना, पूरा नीचे। सेम जब आप अपने आप को सीधा देखते हो ये हाफ रेपिटेशन लगती है आप लोगों को, बट जब आप मिरर में देखते हो ये आधी है, इतना एंड पूरा इतना, फिर आपको पूरी लगानी है। तो गाइज ये वो दो वर्कआउट है जो आप फॉलो कर सकते हो फॉर बिगर बाइसेप्स पीक, जो मैं स्टार्टिंग में फॉलो करता हूँ, एंडिंग में फॉलो करता हूँ। तो इनको फॉलो करें और आई एम श्योर आपके बाइसेप्स का साइज बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है अपनी मसल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में डालना, उन पर लोड डालना, ताकि वो मसल जो टिश्यू है वो ब्रेक डाउन हो जाए। ये थी मेरी आज की वीडियो। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूले, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, रोहित कितरे फिटनेस के नाम से पेज है। तो बस आज के लिए इतना ही, टिल देन नॉट पीस।